हिंद। नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और हमारे वाईडी ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आप लोग कैसे हो? स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे दोस्तों। और ये वाली मशीन इधर चल रही है, हम आ गए हैं थोड़ा सा मास्टर जी के पास, क्योंकि चलते हैं उनसे पहले मुलाकात करवाते हैं, उसके बाद है फिर मिलते हैं क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तो देखता हूँ क्या कर रहे हैं। तो देखिए हमारे मास्टर जी तो इधर खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और मास्टर जी कैसे हो? ठीक है। हमने देखो अपनी दाढ़ी कटवा लिया, आप क्यों नहीं कटवाए? इनको टाइम नहीं मिल रहा। चलो कोई बात नहीं, भाभी को भी नहीं टाइम दे पाते। चलो कोई बात नहीं है, और बढ़िया है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो मशीन ये भी चल रही है, कोई बात नहीं है, बस ये मजाक होता रहता है इसी तरह। तो चलिए आपको देर ना करते हुए आपको बता देते हैं कि ए बी सी डी वाली जो कि यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ से दिखेगी आप लोगों को ए बी सी डी। तो देर ना करते हुए चलिए हम उस जानकारी की तरफ चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को इसका क्या होता है, ये भी आप लोगों को चल के दिखाते हैं। चलिए दोस्तों जानकारी की तरफ। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं ए की जानकारी। ए फॉर एप्पल, इसकी जानकारी हम आप लोगों को दे देते हैं। तो जो ये होता है इसकी जानकारी देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आते हैं इससे ESC फाइल से। ESC फाइल से आने के बाद हम आ जाते हैं मशीन टेस्ट पे। मशीन टेस्ट पे आने के बाद हम इसको एंटर को एंटर कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ आ जाता है अपना हेड टेस्ट, तो हेड टेस्ट करा लेते हैं। हेड टेस्ट में आने के बाद अब ए का प्रयोग किया जाता है। अब हमने क्या करना है, ए को प्रेस कर देना है तो कुछ ऐसा खुल जाएगा, जैसे ऑटो टेस्ट, काउंट और इनेबल दोनों है, जैकार्ड है, फिर केम है, यार्न है, स्टिच है और सिंकर है। तो अब इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ ए से दबाने के बाद ये यहाँ पर ऐसा खुला है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले ये दो दो लिखा हुआ है ना, तो इसको दोबारा से हमने रिपीट कर लेना है। ये देखिए दो को हमने क्या करना है, ओके कर देना है। इसके बाद नीचे वाले दो को ओके कर देना। इसी तरह हमने सारे को ओके करने के बाद क्या करना है कि दोस्तों हम आ जाएंगे अपने इस ऑप्शन पर और यहाँ से हमने इसको ओके करने के बाद फिर से हमने क्या करना है कि एक बार ESC दबा देंगे। जब ESC दबाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक मतलब रीसेट होने लगे, मतलब टेस्ट होने लगेगी। सॉरी दोस्तों, रीसेट नहीं, टेस्ट होने लगेगी। ये टेस्ट अपने आप सारे फंक्शन जो ये कैरिज के हेड है इसका टेस्ट होने लगेगा। तो हमारी ये रही ए की जानकारी। देखिए यहाँ पर टेस्ट भी हो रही जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो ये अपने आप देखिए यहाँ पर लिखा है ना ऑटो टेस्ट, इसी तरह हमारी मशीनें ऑटो टेस्ट होती है और हमें ऑटो टेस्ट कराना भी था, तो हम इसलिए आप लोगों को बता दिए कि ऑटो टेस्ट के ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो ए वाली पत्ती है ना, अब यहाँ 7 नंबर में देखेंगे तो दोस्तों 7 नंबर में कहीं नहीं दिखाएगा कि ए का प्रयोग हम कैसे करें। तो चलिए दोस्तों हम बाहर आ जाते हैं, दोबारा से हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ESC फाइल से आने के बाद फिर 5 नंबर पर आ जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों ESC फाइल को प्रेस करेंगे, ऐसा खुलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 नंबर पर आएंगे, फिर इसके बाद प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद हेड टेस्ट आ गया, हेड टेस्ट को भी प्रेस एक बार दोबारा प्रेस करेंगे। जब ऐसा फंक्शन खुल जाए तो हमने ए को प्रेस कर देना है। ये जब ए को प्रेस करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा, इसमें भर के हमने अभी आप लोगों को टेस्ट करके दिखाया है। तो ए की जानकारी है। अब हम चलते हैं बी की तरफ। तो दोस्तों ये जो बी है इससे क्या होता है, लाइट ऑफ और ऑन हो जाती है, जो कि अभी हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये लाइट हमारी ऑफ हो गई, अब ये लाइट हमारी ऑन हो गई। तो ये हमारी इस करके है, यहाँ पर लाइट ऑफ और ऑन हो जाती है इससे बी से। और एक बात और है बी से होता है, जिस मशीन में लेता होगा उस मशीन में बता देते हैं कि 1, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। जैसे हमने यहाँ पर 475 है, तो सपोज डेटली हमने 460 लगा के बी दबाएंगे तो हम 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये अपने आप आधा होगा। इसके बाद हमने जैसे इसमें उठाएंगे तो करके दिखा देते हैं, लेकिन हमने तो किया नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हम ऐसे करके देख लेते हैं, 468 लगाए और बी दबाए, लेकिन इसमें नहीं उठा रही है। जिन मशीनों में उठाती है उसमें हम आप लोगों को बता देंगे। तो ये बी का काम होता है लाइट ऑफ और ऑन करना। इसके बाद
यहाँ से नंबर लगाने के बाद जो जो अगर हमने ऑड में लगाया है तो ऑड में चलेगा, इवन में लगाया है तो इवन में चलेगा, और 20 ये 20 होता है दोस्तों। तो इसके बाद पहले चलते हैं, मशीन हम बंद कर देते हैं, इसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि सी से हमने क्या करना है कि ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। ये आप लोगों को दिखा दिया, यहाँ पर लूप लगाने के काम में आता है। यहाँ पर मतलब अपना स्टार्ट की लाइन है जो सीरियल लाइन, और यहाँ पर एंड लाइन है, ये स्टार्ट की लाइन है और यहाँ पर एंड लाइन है। यहाँ पर लूप है, जितने बनाने होंगे ये लूप लगाने के काम में आता है सी। और इसके बाद हम चलते हैं डी पर, तो डी का वैसे कोई प्रयोग नहीं है, डी का प्रयोग नहीं है। अगर डी का प्रयोग होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई डी का प्रयोग नहीं है, डी की बटन अगर होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। और ई लॉक करने के लिए होता है, ये चलो इसकी जानकारी नहीं देंगे, नॉर्मल जानकारी में नहीं है। और सबसे पहले हम देते हैं एफ की जानकारी, एफ में भी हमारी मशीनें चल रही हैं इस करके हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि देखिए ए एफ की जानकारी, एफ को हम प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा इनपुट रो खुल जाएगा जिससे कि हम मान लो 464 गेड़े हैं तो यहाँ पर हमें 450 रोकना है। तो हमने क्या करना है कि एफ यहाँ पर एफ दबा के इसके बाद यहाँ क्या कर देना है कि 450 यानी 450 भर के यहाँ से एंटर कर देना, ओके हो जाएगा। तो वो जाके 450 पे रुक जाएगी मशीन, इसके बाद आपको चलाना है तो चला लीजिए, नहीं चलाना है तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारी जानकारी रही एफ की। और इसी तरह हम दोबारा आप लोगों को बता देते हैं ए की जानकारी है, टेस्ट जब कराने जाते हैं टेस्ट वाले पैटर्न में जाएंगे तो ए दबा के मतलब ऑटो टेस्ट में चले जाएंगे, बी से हमारी लाइट बंद होती है, ऑन ऑफ होती है। और जब हम ए वाला नंबर लगाते तो वहाँ पर भी ये काम करता है कई मशीनों में। और सी से हम आप लोगों को बता दिए हैं लूप लगाना होता है दोस्तों। और इसके बाद डी का कोई अभी प्रयोग नहीं है, ई का भी प्रयोग नहीं है, एफ का प्रयोग ये है कि हमने आपको बताया था कि 464 से पहले अगर आपको रोकना है तो आप यहाँ भर सकते हैं, जितना भरेंगे उतना पर जाके मशीन रुक जाएगी। तो ये जानकारी रही अब तक की हमारी इस मशीन की। तो आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और ये जानकारी जैसी भी लगी होगी हमें ज़रूर कमेंट और सहयोग ज़रूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद। पर अभी आया नहीं ये वाला, अब नहीं आएगा, अब सही आएगा, आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना इस करके हमें दिखाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं दिखाई देगा इसलिए कि ये लाइट लग रही है ना, लाइट की वजह से यहाँ नहीं दिखाई देगा, जबकि हम दिखाना ये चाहते थे, वाला दिखाना चाहते थे, यहाँ जो कट रहा था वही हम लोग इसको देख रहे थे कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा, ओके हो गया। और साइड भी सही चल रही है ना, साइड भी ओके है और इधर की भी साइड ओके है, कोई चक्कर नहीं है। अरे मेरे पैर में फंस गया, चलो उसको काट देता है। इधर आ भाई, बोरे हुए भी और यार तेरे मुंह पे तो ऐसे इंद्रधनुष लग रही है, लाइट लग रहा है ना, इधर इधर से होकर देखते हैं, इधर से भी थोड़ा सा बोरे लग रहे हैं, ज़्यादा बोरे नहीं लग रहे हैं। गाड़ी बड़ा बड़ा है, गाड़ी बड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ है, गोरापन भी हट जाएगा, लेकिन यार कोई बात नहीं है, काला भी होना थोड़ा अच्छी बात है। तो काम काज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, काम तो मेरा भी वैसे ठीक ही चल रहा है, मैं नाइट लगा के अभी आया हूँ, मैं कहा इधर चलो थोड़ा सा जानकारी भी लोगों को देना है ना, दो तीन दिन तो वीडियो में गायब हो गया है, अब नाइट और डे की शिफ्ट में था तो इस करके मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तबीयत भी ढीली हो गई थी, कवर नहीं कर पाया, खराब हुआ, सर्दी हो गया, सर्दी हो गया, ऐसा नहीं ना कोरोना हो गया है, कोरोना की वजह का तो बड़ी इस समय के कोरोना की केस चल रही है। बाकी हम लोगों को नहीं हो सकता यार, हम लोग मेहनत से कमाने वाले हैं, कोई चक्कर नहीं, जो बैठ कमाता है वो सकता है, किसी को ना हो, हम तो ये कहते हैं किसी को ना हो, है कि नहीं। बाकी चलो मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, कहाँ पर है, दिखाओ मेरे को मोबाइल कहाँ है यार। चले तो उसको देखते हैं, उधर वो मशीन बोल रही है, पहले उसको सही करते हैं, इसके बाद आप लोगों को नहीं दिख रही है उधर देखिए, तो पहले चलते हैं उसको सही करते हैं, इसके बाद अभी चलते हैं फिलहाल देखते हैं। आ रहा है आगे, नहीं ना आ रहा है आगे, तो नहीं ना आ रहा है,
अरे उसके बाद ऊपर नहीं आएगा, सही हो जाएगा, मैंने देख लिया था, वो हटा दिया हूँ। क्या रहा रोबी? अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं तब तक। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों मैं अपनी ही वीडियो देख रहा हूँ यहाँ पर, है जब बच्चे खेलते हैं तो अच्छा लगता है। और इधर ये देखो, तो आप लोगों ने काफ़ी मतलब मैंने इसके बाद वाली जो वीडियो डाली है, ये वाली वीडियो मैंने डाली है, ये वाली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मतलब गई है, क्योंकि मैं जा रहा था जब कैलाश नगर, तो वहाँ पर ये जो ऑटो वाले सीधे जा रहे हैं ना, इन्होंने भाई साहब ने मेरे को अंदर ही घुसेड़ दिया था साइकिल के सहित। फिर मैं इनको बोला, मैं कहा ले आओ तुम्हें लाइन पे लेते हैं और तुम्हारी वीडियो ही डाल देते हैं। ये तुरंत देखो निकल गए, तुरंत भाग के चले गए उस पार, ये देखिए तुरंत निकल के चले गए। क्या करें यार, कभी कभी रास्ते में जाते हैं ना तो ये लोग कर देते हैं ऐसा, हम नहीं सोचते किसी की वीडियो बनाए। अभी दोस्तों आ गए हम ऊपर मास्टर जी के पास, बड़े दिन के बाद आ रहे हैं। और मास्टर जी कैसे हैं? राम राम। और बढ़िया, बाय बाय। हाल खाइए, हाल कर रहे हैं इसी साथ बनकर वीडियो को, जय माता दी।